अगर आप भी मेरी तरह नॉनवेज नहीं खाते हैं और सोचते हैं काश उस टाइप की ग्रेवी अगर वेज सब्जी में मिल जाए तो बात ही क्या है, तो इंतज़ार हुई आपकी ख़त्म, क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए कटहल की सब्जी, वो भी बिल्कुल नॉनवेज वाली ग्रेवी के साथ। तो आइए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने एक गिलास भर के पानी डाला है। अगर आप कटहल ज़्यादा ले रहे हैं तो आप ज़्यादा पानी भी इसको भर के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच नमक ले लिया, ये देखिए, और अभी कटहल को मैंने इस साइज़ में काट लिया है, ये अभी आप देख सकते हैं इस साइज़ में आप कटहल को काट लें। मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस रखा है, क्योंकि नॉनवेज जैसे अगर मैंने आपको बोला तो उस टाइप का बनाना भी तो है ना, इसलिए आप इस साइज़ का ही कटहल काट। आप मार्केट से जब कटहल लेने जाए तो वहीं पे आप इसका छिलका हटवा लें, क्योंकि घर पे छिलका हटवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आलू भी मैंने बिल्कुल उसी साइज़ का, मतलब सेम साइज़ का मैंने दोनों काटा है और उसे उबलने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट का वक्त लग सकता है इस प्रोसेस को होने में, तब तक आप सभी को मैं दिखाती हूँ अपना गार्डन प्यारा सा, जो फूलों से हरा भरा भरा हुआ है। ये देखिए अच्छे अच्छे फ्लावर फले हुए हैं, और इसमें मैं रोज़ पानी डालती हूँ, और पानी डालने का नतीजा देखिए, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए इस तरह से आपको दिखने लगे। तो पानी को अलग करके कटहल और आलू को आप अलग प्लेट में रख ले। कढ़ाई में से पानी निकाल के आप इसे गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। सरसों तेल में ये मैं पूरी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अगर आपको सरसों तेल से स्मेल आती है और आपको पसंद नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें सरसों तेल का ही प्रयोग किया है। कटहल को मैंने अलट पलट करके 5-5 मिनट तक पका लिया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। कटहल की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, बस आप 2-3 बातों का ध्यान रखें तो बहुत इजीली और आसान तरीके से आप ये बना पाएंगे। जैसे कि कटहल को उबालते समय आप उसे ज़्यादा चलाए नहीं। दूसरा टिप्स है कि जब आप इसे फ्राई करें तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखें गैस का, और इसे बस सोलो फ्राई करें, ज़्यादा न फ्राई करें, 5-5 मिनट अलट पलट करके ही फ्राई करें। ये देखिए हमारा फ्राई किया हुआ कटहल रेडी हो चुकी है, आप इसे प्लेट में निकाल लें। और इसी तेल में, ये जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इसी तेल में आप आलू डाल दें। आलू भी हल्का हल्का उबल चुकी थी हमारी पहले ही, और मैंने इसमें आलू डाल के इसको भी मैंने सोलो फ्राई कर लिया, हल्का सा बस फ्राई कर ले। और यहाँ पे जो आलू में छिलके लगे हुए हैं ना, वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप हटा सकते हैं तो इसे हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप एक कुकर ले, कुकर को पूरा हीट गर्म होने दे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है। यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि आपको जो भी ऑयल पसंद है वो आप ऑयल ले सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे सरसों तेल को आप ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि हमें खरे गर्म मसाले को हल्का भुनना भी है। तो मैंने बस थोड़ा सा सरसों तेल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पे खरे गर्म मसाले ले लिए हैं, काली मिर्च, लौंग ले लिया है मैंने, इलायची लिया है, लहसुन, ऐसे वाली लहसुन आप छिल के आप 4-5 डाल दें, तेज़पत्ते मैंने लिए हैं, सूखे लाल मिर्च मैंने नहीं लिए, क्योंकि हरी मिर्च मैंने मिक्सी में पीसा है तो ज़्यादा तीखे हो जाएंगे, इसलिए सब कुछ बैलेंस बना के चलना है। और यहाँ पे मैंने चॉप्ड किया हुआ प्याज ले लिया है। चॉप्ड किया हुआ प्याज मैंने मीडियम साइज का 4 से 5 लिया है, ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, ताकि हमारे प्याज गल जाए, ताकि ग्रेवी आपकी बहुत ही अच्छी बने। और इसी स्टेज पर बिल्कुल आप ऐसे बारीक पिसी हुई, मिक्सी में आप पिसी हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। लहसुन अदरक हरी मिर्च मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, और 1 इंच मैंने अदरक लिया है, और 1 पॉट लहसुन लिया है। और एक काम आप ज़रूर करें, इसको ग्रेवी अगर बनाना है नॉनवेज की तरह, तो इसमें आप 1 पिसी हुई बड़ी साइज की, अगर आपके पास छोटी वाली प्याज है तो 2 ले लें, नहीं तो 1 पिसी हुई प्याज आप इसमें ज़रूर डालें, ताकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल नॉनवेज स्टाइल बने। और यहाँ पे मैंने चॉप्ड किया हुआ 2 टमाटर ले लिया है, ये टमाटर रेड वाली आप ले कोशिश करें, अगर नहीं आपके पास रेड वाली टमाटर नहीं है तो आप कोई सा भी चल जाएगा, बस देगी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि नॉनवेज वाली टेक्सचर लानी है तो ये तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं।
जब भी कोई भी रेसिपी आप कुकर में बनाते हो तो ये एक और टिप्स आप याद रखें कि टमाटर को आप चॉप्ड करके ही डालें, क्योंकि कुकर में जब रेसिपी बनती है और जो उसको सीटी लगती है तो ऑलरेडी टमाटर आपका पकना ही है, तो फिर उसको प्योरी बना के क्यों डालना, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे मसाले ऐड किए हैं। इसमें मैंने एक चम्मच नमक पहले ही डाल दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाए थे पहले ही, और मैंने आधी छोटी चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला 1/3 लिया है, और ये मेरा चिकन मसाला है, और देगी मिर्च मैंने लिया है एक भर के चम्मच, क्योंकि कलर लाना ज़रूरी है, क्योंकि हम नॉनवेज स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें कलर तो ज़रूरी होता है। और चिकन मसाले पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा बस पानी डाल के आप इस तरह से भून ले अच्छी तरह से। इसको भुनना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कच्चे मसाले भी परे हैं, जैसे कि प्याज हमारा कच्चा परा हुआ है, पिसी हुई, तो इसको अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता ले लिया है, धनिया पत्ता को मैंने पहले ही डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास जो धनिया पत्ता परे थे वो डंडल वाली थी, तो पहले अगर डाल दीजिएगा डंडल वाले साइड का तो ज़्यादा गल जाएंगे और ज़्यादा अच्छा होगा आपके कोई भी रेसिपी के लिए। मेरे इस मसाले को पकाने में कम 10 मिनट और लगा है, और इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। आप कोशिश करें कि मसाले जब भी आप सूखे डाल दें ना कोई भी रेसिपी में, तो आप मीडियम फ्लेम कर दें। मीडियम फ्लेम करने से मसाले आपके जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पे मैंने आलू और कटहल दोनों ऐड कर दिए जो भुने हुए थे, और पानी आप ऐड कर दें। पानी मैंने पूरे 1.5 ग्लास लिया है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ग्रेवी डालना चाहते हैं। तो ग्रेवी मुझे थोड़ा कम चाहिए था क्योंकि रोटी के साथ खाना है। और ये देखिए, जादुई कटहल और आलू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स सच में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि मैं नॉनवेज वाली ग्रेवी आपके वेज वाली सब्जी में बना के दिखाऊंगी, तो मैंने अपना वादा कर दिया है पूरा, और ये आप पे, आपके ईमानदारी पर डिपेंड है कि आप अपना वादा कब पूरा कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ये रेसिपी को ज़रूर भेजें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस रेसिपी का पहुँचना लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो न्यू कपल है, जो न्यू मैरिड है, उनके लिए भी वो अपने ससुराल में बनाए, अपने पति और सास ससुर को खुश रखे, और जो गर्ल्स है वो अपनी मम्मी पापा के लिए बनाए और मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खुश रखे। जो वेज खाते हैं उनके लिए ना सोने पे सुहागा वाली रेसिपी है ये, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।